हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, ये आपको पता है हिंदू मान्यता में इनमें से किन्हें युद्ध का देवता माना जाता है? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट आई सामने, दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति मुंबई में, चीन के बीजिंग की चमक पड़ी फीकी। हुरुन रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट सामने आई है जिसमें पहली बार मुंबई एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गई है। मुंबई के 603 वर्ग किलोमीटर में अब बीजिंग के 16,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा अरबपति रहते हैं। चीन से तुलना करें तो भारत में 271 और चीन में 814 अरबपति हैं। वहीं मुंबई में बीजिंग के मुकाबले 92 अरबपति रहते हैं जबकि बीजिंग में 91 अरबपति हैं। पिछले 7 साल के बाद न्यूयॉर्क के 119 अरबपतियों के साथ अपना शीर्ष स्थान हासिल किया है। लंदन 97 अरबपतियों के साथ दूसरे स्थान पर है। एक साल में मैक्सिमम सिटी में 26 नए अरबपतियों के जुड़ने के कारण चीन की राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी से आगे निकलने की कामयाब रही है। इसी समय बीजिंग में नेट बेसिस पर 18 पूर्व अरबपतियों को सूची से बाहर होते हुए देखा गया। मुंबई के कुल अरबपतियों की कुल संपत्ति 445 बिलियन डॉलर है जो कि पिछले वर्ष से 47% अधिक है जबकि बीजिंग के कुल अरबपतियों की संपत्ति 265 बिलियन डॉलर है जिसमें 28% की कमी आई है। वहीं आपको बता दें कि मुंबई के आर्थिक धन क्षेत्रों में ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं जिसमें मुकेश अंबानी जैसे अरबपति महत्वपूर्ण मुनाफा कमा रहे हैं। रियल एस्टेट जायंट मंगल प्रभात लोढ़ा और परिवार प्रतिशत के हिसाब से 116% है जो कि मुंबई के सबसे बड़े वेल्थ गेनर हैं। दिल्ली में केजरीवाल पर घमासान, सड़क पर उतरे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता, ईडी ने सीएम के साइन पर उठाए सवाल। दिल्ली के मंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही है जिसमें पंजाब के मंत्री समेत लोकसभा उम्मीदवार सोमनाथ भारती भी शामिल हैं। वहीं केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर बीजेपी भी सड़क पर उतर आई है। पार्टी का कहना है कि जेल से गिरोह चलता है सरकार नहीं, केजरीवाल को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी बीच प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल के जेल से दिए गए आदेश पर ईडी ने सवाल उठाए हैं। एजेंसी का कहना है कि सीएम तक कोई फाइल नहीं पहुंच रही है तो ऐसे में कौन साइन कर रहा है। बिना इजाजत के इसराइल से मंगवाई गई थी डिवाइस, केसीआर सरकार में हुई थी रेवंत रेड्डी की जासूसी, अब हुआ है भंडाफोड़। फोन टैपिंग के मामले को लेकर तेलंगाना की राजनीति में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस को तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल राज्य पुलिस अधिकारियों पर वर्तमान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, मशहूर हस्तियों और व्यापारियों समेत तत्कालीन विपक्षी नेताओं के फोन टैप करने के चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं। दरअसल आरोप है कि तत्कालीन केसीआर सरकार ने सर्विलांस का इस्तेमाल किया और बीआरएस पार्टी फंड में पैसे देने के लिए कार्यों को ब्लैकमेल किया गया। दरअसल बीआरएस ने अभी तक आरोपों का जवाब नहीं दिया है। फोन टैपिंग और कुछ कंप्यूटर सिस्टम एवं आधिकारिक डेटा को नष्ट करने के आरोप में हैदराबाद पुलिस ने 2 अपर पुलिस अधीक्षकों को भी गिरफ्तार किया है। हैदराबाद पुलिस ने शनिवार की देर रात को एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी करके बताया था कि जांच के दौरान अपर पुलिस उपायुक्त तिरुपथन्ना और अपर पुलिस अधीक्षक एन भुजंग राव को गिरफ्तार किया गया। दोनों अपर पुलिस अधीक्षकों पर एसआईबी के निलंबित डीएसपी डी प्रणीत राव के साथ साठगांठ करने के आरोप हैं। प्रणीत राव को पहले हैदराबाद पुलिस ने विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से खुफिया जानकारी मिटाने के साथ साथ पिछली भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की सरकार के दौरान कथित फोन टैपिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस सिलसिले में राज्य खुफिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख टी प्रभाकर राव के मुताबिक लुकआउट नोटिस जारी किया गया जो कथित तौर पर इस समय अमेरिका में हैं। पुलिस ने कहा कि 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने अवैध तरीके से निगरानी करने और सबूतों को नष्ट करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने पूर्व एसआईबी प्रमुख टी प्रभाकर राव के अलावा आयुक्त के कार्यबल, हैदराबाद पुलिस की एक शाखा के तत्कालीन पुलिस उपायुक्त पी राधाकृष्णन और एक तेलुगु टीवी चैनल के एक वरिष्ठ कार्यकारी के खिलाफ भी लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। पूर्व पीएम राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी का वीडियो हुआ वायरल,
जानिए कौन कौन थे इसमें मौजूद। 1968 में दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सोनिया माइनो, जो अब सोनिया गांधी है, उनके साथ शादी का ब्लैक एंड व्हाइट विवाह वीडियो एसोसिएटेड प्रेस के आर्काइव से इंटरनेट पर फिर से सामने आया है। वायरल वीडियो में जोड़े को आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए, एक दूसरे को माला पहनाते हुए और परिवार के सदस्यों के बीच अपनी शादी का केक काटते हुए दिखाया गया है। बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि राजीव गांधी उस समय 23 साल के थे और जब उन्होंने 21 वर्षीय सोनिया माइनो से शादी की थी। विवाह समारोह नई दिल्ली के एक सफदरजंग रोड स्थित इंदिरा गांधी के आवास के बगीचे में हुआ था और इसमें तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित और संजय गांधी समेत कई लोग शामिल हुए थे। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में जूता मोजा बैन, 10 मिनट पहले मिलेगा पासवर्ड, जान लीजिए 10 नियम। बिहार में डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बम्पर नौकरियां निकलने के सिलसिले और प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों के बाहर होने के चलते इस डीएलएड आवेदन के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस बार बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए रिकॉर्ड 6,81,982 छात्रों ने आवेदन किया है और प्रवेश परीक्षा के लिए 9 जिलों में 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पटना में सबसे अधिक 36 केंद्रों पर परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा 30 मार्च से 28 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। वहीं समिति ने कहा है कि 30 मार्च से 28 अप्रैल तक परीक्षा में 11 अप्रैल ईद, 17 अप्रैल रामनवमी, 19 अप्रैल लोकसभा चुनाव प्रथम चरण और 26 अप्रैल लोकसभा चुनाव द्वितीय चरण के होने के कारण परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। परीक्षार्थी बिहार बोर्ड ऑनलाइन bihar.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करना वर्जित है। परीक्षार्थी जूता मोजा की जगह पर चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। परीक्षा कक्ष में सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराया जाएगा और हर प्रश्न एक नंबर का होगा। परीक्षार्थियों को कहा गया है कि एडमिट कार्ड के अलावा परीक्षा के दौरान वैध और मूल फोटो पहचान पत्र, वोटर आईडी या आधार कार्ड या फोटो युक्त बैंक पासबुक, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त राशन कार्ड लेकर जाना होगा। आवेदन के साथ जो फोटो अपलोड किया गया है उसकी पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो अपने एडमिट कार्ड में चिपकाकर साथ ले जाएंगे और इसे परीक्षा केंद्र कक्षा के पास जमा कराना होगा। वहीं बता दें कि ओरिजिनल एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी अपने पास सुरक्षित रखें और इसलिए एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी भी करा लें। अपने पास पेंसिल और बॉल पेन जरूर लेकर आएं। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी और अभ्यर्थी को कंप्यूटर के यूजर नेम और पासवर्ड परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ होने के 10 मिनट पहले ही आवंटित किए जाएंगे। इन यूजर नेम और पासवर्ड को डालने के बाद ही परीक्षा शुरू होगी। पुस्तक, नोटबुक, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर घड़ी, पेजर्स, मेमोरी युक्त सेलफोन, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ईयरफोन, रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर न आएं। प्रवेश पत्र के तय स्थान पर वीक्षक के सामने अभ्यर्थी को अपने साइन करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने उंगलियों पर मेहंदी, स्याही रंग, नेल पॉलिश और वगैरह लगाकर न आए, इससे बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज करने में दिक्कत आ सकती है। जब तक परीक्षा खत्म नहीं होती है तब तक रूम को नहीं छोड़ सकते हैं। आपकी चार सीट आपको ही मुबारक, प्रकाश अंबेडकर ने महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस को दिया झटका। पहले चरण का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होना है। इसके लिए 27 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन अभी तक कई राज्यों में कई गठबंधनों के बीच सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हो सका है। ऐसे में 26 तारीख शाम तक इसका ऐलान करना अनिवार्य हो गया। महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। कुछ सीटों पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के बीच सहमति नहीं बन पाई है, तो वहीं दूसरी तरफ वंचित बहुजन अघाड़ी यानी VBA नेता प्रकाश अम्बेडकर के इंडिया अलायंस में रहने पर सस्पेंस गहरा गया है। इसी बीच दलित नेता प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि MVA की ओर से ऑफर की गई चार सीटों को वह लौटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह 26 तारीख को अपने कदम का ऐलान कर रहे हैं। अंबेडकर ने 23 मार्च को ही कहा था कि वह शिवसेना UPT के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन तोड़ रहे हैं और 26 तारीख को अपने अगले कदम की घोषणा करेंगे। कुछ दिन पहले ही अंबेडकर ने शिवसेना उद्धव ठाकरे और NCP शरद पवार के रवैये पर नाराजगी जताई थी और इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में 7 लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस को समर्थन देने की बात भी कही थी। मेरी गिरफ्तारी गलत, तुरंत रिहा कर दिया जाए, केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई को हुआ तैयार। कथित शराब घोटाला मामले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले ही अर्जी उन्होंने वापस ले ली थी।
अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और तुरंत सुनवाई की मांग की थी, लेकिन होली की छुट्टियों की वजह से ऐसा नहीं हो सका था। केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी और हिरासत अवैध थी और वह तुरंत हिरासत से रिहा किए जाने के हकदार हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के सामने याचिका को सूचीबद्ध कर दिया गया था। 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने शुक्रवार को केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल इससे पहले 21 अप्रैल को गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट के इनकार के कुछ घंटों बाद ही ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंच गई थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर सड़कों पर उतरी बीजेपी, दिल्ली में प्रदर्शन जारी। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है बीजेपी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। सैकड़ों की संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हाथों में बैनर और झंडे लेकर दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा और ईडी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का भी प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि बीते दिनों दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाला मामले में हुई अनियमितता को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से ही बीजेपी की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से नकुल नाथ ने किया नामांकन, बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बोले कमलनाथ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नकुल नाथ ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से छिंदवाड़ा सीट के लिए अपना नामांकन किया है और इस दौरान उनके पिता कमलनाथ और अन्य नेता भी मौजूद थे। कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा भरोसा है कि वे सच्चाई का साथ देगी। छिंदवाड़ा की जनता से मेरा रिश्ता राजनीतिक नहीं, पारिवारिक है। वहीं कांग्रेस के नेता नकुल नाथ ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि छिंदवाड़ा की जनता मुझे फिर से अपना प्यार और आशीर्वाद देगी। कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का प्रचार है और वे चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा के मतदाता आगामी लोकसभा के चुनाव में सच्चाई का समर्थन करेंगे। हुरून इंडिया रिच लिस्ट रिपोर्ट आई सामने, 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले धनवानों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। एआई और ईवी सेक्टर से भारतीय बिजनेसमैन बनेंगे दौलतमंद। भारत में अमीरों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। देश में सुपर रिच लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले साल बेशुमार धन दौलत कमाने वाले लोगों की संख्या में 75% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। मौजूदा समय में 1300 से ज्यादा लोगों के पास 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेटवर्थ होने का दावा हुरून इंडिया रिच लिस्ट की रिपोर्ट में सामने आया है। दरअसल बता दें कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक भारत में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेटवर्थ वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 1319 हो गई है। वहीं 2023 में हुरून इंडिया रिच लिस्ट में 216 अमीरों के नाम और जुड़ गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब 1300 के पार 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा दौलत वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो इसमें 76% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हुरून ग्लोबल के चेयरमैन रूपर्ट हुगवर्क ने कहा कि भारतीय बिजनेसमैन भविष्य में आने वाले समय को लेकर उत्साहित हैं। भारतीय व्यापारी दुनिया के दूसरे देशों के व्यापारियों की तुलना में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि नया साल और बेहतर होने वाला है। दुनिया के दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। चीन के बिजनेसमैन साल खराब होने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। यूरोप में भी आशावाद नहीं दिख रहा है। हुरून ग्लोबल के चेयरमैन रूपर्ट हुगवर्क ने कहा कि दो सेक्टर से सबसे ज्यादा दौलतमंद बनने वाले लोग हैं, जिनमें पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री। एआई की वजह से हालिया वक्त में कई कंपनियों को बहुत फायदा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के वैल्यूएशन इसके चलते 700 से 800 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में खासतौर पर चीन में काफी मात्रा में विकास हो रहा है। बीआरएस की नेता के कविता को 9 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, ईडी ने कोर्ट में लगाए गंभीर आरोप। बीआरएस की नेता के कविता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने बीआरएस नेता के कविता पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे साउथ ग्रुप का हिस्सा थी, जिसने शराब कारोबार के लाइसेंस की आड़ में आम आदमी पार्टी को 1000 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी। वहीं ईडी ने के कविता की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। ईडी द्वारा समय मांगे जाने पर कविता के वकील ने कोर्ट से कहा है कि जब तक ईडी जवाब दाखिल करने में समय लेती है, तब तक के कविता को अंतरिम बेल दी जाए। 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट के कविता की अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेगा।
हमास ने युद्ध विराम के नए प्रस्ताव को किया खारिज। इसराइल पर लगाया प्रमुख मांगों की अनदेखी करने का आरोप। हमास के इस कदम से भड़केगी जंग की आग। हमास ने इसराइल पर नए युद्ध विराम प्रस्ताव की प्रमुख मांगों को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए इसे खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव में युद्ध की समाप्ति और गाजा से सैनिकों की पूर्ण वापसी का उल्लेख है। हमास ने देर रात एक बयान में कहा कि उसने मध्यस्थों को सूचित किया है कि वह अपनी मूल स्थिति पर कायम है, जिसे मार्च की शुरुआत में बताया गया था। बयान में कहा गया है कि इसराइल ने व्यापक युद्ध विराम गाजा पट्टी से इजरायली सैनिकों की वापसी, विस्थापित लोगों की वापसी और वास्तविक कैदियों की अदला बदली की उसकी मूल मांगों का जवाब नहीं दिया है। हमास के बयान से कुछ समय पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में बंदी बनाए गए सभी लोगों की रिहाई और तत्काल युद्ध विराम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस संबंध में मतदान से इसराइल और अमेरिका के बीच गतिरोध पैदा हो गया। अमेरिका ने मतदान में अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया। जवाब में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की प्रस्तावित वॉशिंगटन यात्रा को निरस्त कर दिया। नेतन्याहू ने हमास की मांगों को खारिज कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी के पिता के परिचय को लेकर बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने दिया विवादित बयान। बीजेपी के सांसद के बिगड़े बोल। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही नेताओं के विवादित बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसद दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी है। दिलीप घोष ने कहा कि दीदी जब गोवा जाती हैं तो खुद को गोवा की बेटी कहती हैं, जब त्रिपुरा जाती हैं तो वो कहती हैं कि वो त्रिपुरा की बेटी हैं। वे पहले अपने पिता की पहचान करें। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख अध्यक्ष दिलीप घोष को इस बार बर्धमान दुर्गापुर सीट पर भारत की 1983 विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे कीर्ति आजाद के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। भाजपा द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की सूची में दिलीप घोष को मेदिनीपुर सीट के स्थान पर बर्धमान दुर्गापुर से प्रत्याशी बनाया गया है। বাংলা নিজের ভাইপোকে চায় বিহার ইউপি থেকে দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে ত্রিপুরা আমি ত্রিপুরার মেয়ে আমার বাপ তো ঠিক করুন যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক নয়। मोदी के नारे लगाने वालों को थप्पड़ वाले बयान पर कर्नाटक के मंत्री के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत। कर्नाटक के संस्कृति मंत्री और कांग्रेस के नेता शिवराज थंगदागी के खिलाफ भाजपा ने कोप्पल जिले के करातगी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि कांग्रेस के नेता के खिलाफ मोदी के नारे लगाने वाले युवकों और छात्रों को थप्पड़ मारने चाहिए वाले बयान पर भाजपा ने शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक रविवार को कराटागी में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में मंत्री थंगदागी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि जो युवा मोदी मोदी चिल्लाते हैं उनके गालों पर तमाचा जड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट मांगने के लिए शर्म आनी चाहिए क्योंकि वह विकास के मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वे विकास के एक काम भी नहीं कर पाए हैं, फिर किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने लोगों को 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, क्या उन्होंने किसी को नौकरी दी? जब उनको नौकरियों के बारे में पूछो तो वो कहते हैं पकौड़े बेचो। उत्तरकाशी की सिलकियारा टनल में फिर से हुआ हादसा, पिथौरागढ़ के मजदूर की जान गई। उत्तराखंड की सिलकियारा टनल एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहां पर शॉर्ट क्रीट मशीन पलटने से होली वाले दिन सोमवार 25 मार्च को बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। इस हादसे के बाद काम को रोक दिया गया था और इस हादसे के बाद से मजदूर काफी डरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मशीन सुरंग के पास ही काम कर रही थी, तभी मशीन अचानक से पलट गई। मशीन की चपेट में आने से हेल्पर गोविंद कुमार की मौत हो गई। 24 साल का गोविंद कुमार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का ही रहने वाला था। इस मामले में चौकी प्रभारी GS तोमर ने बताया कि ये हादसे कैसे हुए इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। बता दें कि पिछले साल 2023 में दीपावली के दिन 12 नवंबर सुबह को सिलकियारा टनल के मुहाने से थोड़ा अंदर बड़ा भूस्खलन हो गया था। भूस्खलन के कारण सिलकियारा टनल के दूसरे छोर पर काम कर रहे करीब 41 मजदूर वहां पर फंस गए थे और करीब 17 दिन लंबे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अंदर फंसे हुए सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। और इस हादसे के करीब 2 महीने बाद सिलकियारा टनल में फिर से काम शुरू किया गया था, जिसके बाद फिर से एक हादसा हो गया।
हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, HSSC ने पुलिस भर्ती के लिए बढ़ाई तारीख। बता दें कि हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल के 6000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाए युवाओं को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने राहत दी है। आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि को 7/3 तक बढ़ा दिया है। अब युवा पुरुष कांस्टेबल के 5000 और महिला कांस्टेबल के 1000 पदों के लिए 26 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। और इतना ही नहीं, पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र में गड़बड़ी को ठीक कर सकेंगे। HSSC की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। बड़ी संख्या में आवेदकों द्वारा आवेदन भरते समय हुई गलती को दुरुस्त करने के लिए आयोग से अनुरोध किया जा रहा था। ऐसे युवाओं की मांग को पूरा करते हुए गलती ठीक करने का मौका दिया गया। आपको बता दें कि संशोधित नियमों के अनुसार यह भर्ती होगी, जिसमें उच्च शिक्षा के कोई अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे। पहली बार कट ऑफ लागू होगी। सामान्य वर्ग के लिए 50% तो आरक्षित वर्ग के लिए 40% कट ऑफ तय किया गया है। लिखित परीक्षा का वेटेज 80 से बढ़ाकर 94.5% कर दिया गया है। भर्ती में 18 से 25 आयु वर्ग के युवा आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में देरी होने की वजह से अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है। आवेदक के लिए CET पास करना जरूरी है। अंदर से सरकार यूं ही चलेगी, विवाद के बीच केजरीवाल का नया आदेश। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी से एक और निर्देश जारी किया है। इस बार उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर कुछ निर्देश जारी किए हैं। केजरीवाल की ओर से ये निर्देश ऐसे समय पर जारी किया गया है जब ईडी की हिरासत से उनके पहले आदेश पर विवाद खड़ा हो गया था। भाजपा की शिकायत के बाद ईडी ने जांच की बात कही है। आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस निर्देश की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें निर्देश दिया है कि दिल्ली के सभी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाएं और टेस्ट सुनिश्चित हो। भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कुछ अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में दवाओं की कमी है। भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इस पर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में सभी दवाइयां और टेस्ट मुफ्त में मिले, उनकी उपलब्धता कम ना हो। उनका निर्देश हमारे लिए भगवान के आदेश है, हम युद्ध स्तर पर काम करेंगे। भारद्वाज ने कहा है कि केजरीवाल ऐसे मिट्टी के बने हैं कि ईडी की हिरासत में भी उन्हें दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य की चिंता है। पंजाब में भाजपा अकेले ही लड़ेगी चुनाव, अकाली दल भी रह गया खाली। ओडिशा के बाद ऐसा दूसरा राज्य। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन के लिए कोई सहयोगी नहीं मिल पाया है। अब भाजपा की ओर से अकाली दल को साथ लाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई। अब भाजपा ने सभी 13 लोकसभा की सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। भाजपा के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने वीडियो संदेश जारी करके इसका ऐलान किया। जाखड़ ने कहा कि भाजपा पंजाब में अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने लोगों, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का फीडबैक लेने के बाद ये फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पंजाब के हित के लिए अथक प्रयास किए हैं और उसके काम किसी से छिपे नहीं हैं। ओडिशा के बाद ये दूसरा राज्य है जहां भाजपा का गठबंधन नहीं हो सका है। इससे पहले ओडिशा में BJD को साथ लाने की कोशिश हुई थी, जिस पर सफलता नहीं मिल पाई। और अब वहां भी भाजपा ने राज्य की सभी 21 लोकसभा की सीटों पर कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है। भाजपा से पहले शुक्रवार को अकाली दल ने भी अकेले लड़ने का संकेत दिया था और शुक्रवार को अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें अकेले लड़ने पर सहमति बनी थी। चीन ने फिर किया अरुणाचल प्रदेश पर दावा, तो बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, ये मोदी की चाइनीज गारंटी है। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर दावा करने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन की निंदा की है। उन्होंने इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। खड़गे ने कहा कि 2020 के गलवान हमले के लिए भी मोदी सरकार ने चीन को क्लीन चिट दे दी है और इसी का परिणाम आज देश भुगत रहा है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार चीन को खुश करने वाली नीति पर काम कर रही है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि 20 भारतीय जवानों ने देश के लिए कुर्बानी दे दी है, लेकिन मोदी सरकार गलवान पर चीन को क्लीन चिट देती है। पीएम मोदी चीन की लाल आंख का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनके हौसले बढ़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अरुणाचल सीमा के पास गांव बसाना हो या फिर हमारे लोगों को सीमा से किडनैप कर लेना, यह सब मोदी सरकार की प्लीज चाइना पॉलिसी के चलते हो रहा है। इससे हमारे अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। बता दें कि सोमवार को चीन के विदेश मंत्री लीन जियान ने कहा था कि भारत द्वारा कब्जा किए जाने से पहले अरुणाचल प्रदेश हमेशा ही चीन का हिस्सा था। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के विश्व
विश्वविद्यालय में साफ कहा था कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस मामले में चीन के सारे दावे गलत हैं। उन्होंने कहा था कि ये काफी हास्यास्पद है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है क्योंकि यह भारत का अभिन्न अंग है। सीमा पर तनाव के लिए एस जयशंकर ने ड्रैगन को लताड़ लगाई थी। महाराष्ट्र में मस्जिद की दीवार पर लिखा जय श्री राम, इलाके में तनाव, पुलिस बोली 24 घंटे में पकड़ लेंगे। एक अज्ञात व्यक्ति ने महाराष्ट्र के बीड जिले में एक बड़ी मस्जिद की दीवार पर धार्मिक नारा लिख दिया, इससे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है। पुलिस ने इस घटना के संबंध में मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात व्यक्ति ने मस्जिद की दीवार पर जय श्री राम लिख दिया था। यह नारा देर शाम को मजल गाँव में मरकजी मस्जिद की दीवार पर लिख दिया गया था, जिसके बाद स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। वे मस्जिद और स्थानीय पुलिस स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में जमा हुए और कार्रवाई की मांग की। वहीं मजल गांव के उप विभागीय पुलिस अधिकारी धीरज कुमार ने कहा कि शाम करीब 5 बजे कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद की दीवार पर जय श्री राम लिख दिया था। हमने धारा 295 जानबूझकर किसी पूजा स्थल को नष्ट करने या अपवित्र करने के लिए के तहत FIR दर्ज की है। हम अपराधी का पता लगा रहे हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों की छठी सूची हुई जारी, इन दो राज्यों से दिए गए टिकट। आगामी लोकसभा के चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी है। इसमें कुल 3 कैंडिडेट्स के ही नाम हैं, जिनमें 2 राजस्थान के हैं और मणिपुर से 1 हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की नई सूची में करौल धौलपुर से इंदु देवी जाटव को टिकट मिला है। दौसा लोकसभा सीट से कन्हैया लाल मीणा ताल ठोकने जा रहे हैं। इसके अलावा इनर मणिपुर लोकसभा सीट से थौना ओजम बसंत कुमार सिंह बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भाजपा ने लोकसभा चुनाव की 5वीं सूची जारी की थी और इसमें 17 राज्यों की 111 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए गए थे। 5वीं सूची में पश्चिम बंगाल की 19 सीटों, ओडिशा की 18, बिहार में भाजपा की सभी 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, राजस्थान में 7 सीटों, आंध्र प्रदेश व गुजरात की 6 सीटों, हरियाणा, कर्नाटक व केरल की 4 सीट, हिमाचल प्रदेश व तेलंगाना की 2 सीट, झारखंड व महाराष्ट्र की 3 सीट, गोवा, सिक्किम व मिजोरम की 1 सीट के उम्मीदवार शामिल हैं। 111 उम्मीदवारों में से 20 महिलाएं रही थी। टिकट कटने से नाखुश पर भाजपा से बागी नहीं होंगे वरुण गांधी, कांग्रेस से मिला है खुला ऑफर। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी का टिकट कट गया है। भाजपा ने उनके स्थान पर 2021 में भाजपा में आए जितिन प्रसाद को मौका दिया है, जो योगी सरकार में मंत्री भी हैं। भाजपा की 5वीं लिस्ट में से वरुण गांधी का नाम गायब होना ही सबसे अहम खबर थी, लेकिन अब तक उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया है। वरुण गांधी के बारे में पहले ऐसी चर्चाएं थी कि वह भाजपा से टिकट न मिलने पर निर्दलीय ही उतर सकते हैं। उनके निजी सचिव की ओर से नामांकन पत्रों के 4 सेट भी खरीदने की बात सामने आई थी, लेकिन अब उनका रुख पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। वरुण गांधी को कांग्रेस की ओर से खुला ऑफर मिला है, लेकिन वह भाजपा से बागी होकर न तो निर्दलीय लड़ेंगे और न ही किसी दूसरे दल में फिलहाल जाएंगे। वरुण गांधी के करीबी सूत्रों का कहना है कि भाजपा से टिकट कटने पर वह छला हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि पीलीभीत से उनको फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, अब वह दिल्ली से पीलीभीत भी नहीं आ रहे हैं। हालांकि पहली ये खबर थी कि उन्होंने अपने सचिव को भेजकर नामांकन पत्र मंगवाए थे। इसके अलावा पीलीभीत के हर गाँव से 2 कारों और 10 बाइकों के साथ समर्थकों को तैयार रहने को कहा गया था। पाकिस्तान में आत्मघाती हमला, मारे गए 5 चीनी नागरिक, बढ़ सकता है आंकड़ा। बता दें कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक भीषण आत्मघाती हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में 5 चीनी नागरिक मारे गए हैं। खैबर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मोहम्मद अली गंदापुर ने कहा है कि आतंकी हमले में 5 चीनी नागरिक और 1 स्थानीय ड्राइवर भी मारा गया है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मारे गए चीनी पेशे से इंजीनियर थे और पाकिस्तान में चल रहे प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोटकों से लदे हुए एक मालवाहक को आतंकी ने चीनी इंजीनियरों के काफिले में घुसा दिया और एक वाहन से टक्कर मार दी। इस घटना में मरने वाले लोगों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। हमले में मारे गए चीनी इंजीनियर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से दासू जा रहे थे, जहां उनके ठहरने के लिए कैंप बना हुआ था। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा के शांगलाक में बेशम सिटी के पास हुआ है। बता दें कि इससे पहले भी बीते कई हमले पाकिस्तान में हुए थे, जिसमें चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया था। खासतौर पर पाकिस्तान और चीन के संयुक्त प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध होता रहा है और इसी के चलते ये हमले हुए हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़े वर्ग का ऐसा मानना है कि उनके संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है।
आ गया कूलर एसी चालू करने का समय। दिल्ली में तापमान पहुंचा 33 के पार। आईएमडी ने दिया बड़ा अपडेट। होली खत्म होते ही भीषण गर्मी का कहर दिखना शुरू हो गया है और राजधानी दिल्ली में तापमान 33 डिग्री तक पहुंच गया है। पिछले एक सप्ताह में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले 3-4 दिन में तापमान 2-3 डिग्री तक बढ़ सकता है, यानी कि आने वाले दिनों में प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है और इसके साथ ही कुछ राज्यों में हीट वेव चलने लगेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही न्यूनतम तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि मौसम के औसत से 1 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने बताया कि आर्द्रता का स्तर 40% से 94% के बीच रहा है। दिल्ली NCR में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में 1-2 दिन में बूंदाबांदी भी हो सकती है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले 2-3 दिनों में दिल्ली NCR का तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच सकता है। गर्मी के बाद बुधवार को भी दिन में गर्मी की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद गुरुवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की आशंका है। जेल में मुख्तार अंसारी को दिया गया है जहर। आखिर किसने दिया और कौन कर रहा है इसकी साजिश? ICU में मुख्तार अंसारी। 5 दिन पहले मुख्तार अंसारी ने स्नो पॉइजन देने का आरोप लगाया। मुख्तार की तबीयत और ज्यादा 26 मार्च को बिगड़ गई। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को तबीयत खराब होने के बाद जेल से बांदा के मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कराया गया। मुख्तार को मेडिकल कॉलेज के ICU में भर्ती कराया गया और हाल ही में मुख्तार अंसारी ने बांदा जेल में जान का खतरा बताया था और स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया था। तो आखिर मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर जहर कौन दे रहा है? मुख्तार के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है? 21 मार्च को गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की चर्चित एम्बुलेंस मामले में MP MLA कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन वो पेश नहीं हो पाया था, बल्कि उसके वकील ने कोर्ट में अर्जी लगा दी कि जिसमें आरोप लगा दिया गया कि 19 मार्च की रात को मुख्तार को खाने में जहरीला पदार्थ मिला है, जहर की वजह से मुख्तार की तबीयत खराब हो गई है। मुख्तार ने अपनी अर्जी में कहा कि कृपया मेरा सही से डॉक्टर की टीम बनाकर इलाज करवा दें। हालांकि बांदा जेल प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के आरोपों को खारिज कर दिया। बता दें कि जेल प्रशासन ने बताया कि मुख्तार अंसारी को 25 मार्च पेट में थोड़ा दर्द हुआ था और टॉयलेट जाते वक्त वो गिर गया था। इसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। फिलहाल अभी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है और मुख्तार की हालत स्थिर है। बांदा जेल की ओर से मुख्तार के परिवार को इसकी जानकारी दे दी गई है और उसे अस्पताल पहुंचने के लिए कहा गया है। आज का सुविचार, जीवन में कुछ बनना है तो विनम्र रहना सीखो, क्योंकि एक छोटे से बीज को भी पेड़ बनने के लिए जमीन के नीचे दबना पड़ता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।